इंडिया में तीन चीजें बहुत फेमस है, डांस ऑफ एलन, जूस ऑफ वाटरमेलन और यमराज द विलन, यानी कि मैं। भाई आप लोगों को शौक लगा होगा ये सुनकर कि मैं विलन होकर भी लोगों का चहेता क्यों हूँ। जनाब, दुनिया के ऐसे बहुत से काम है जो सीधे हाथ से नहीं होते, इसलिए हाथ को टेढ़ा करना ही पड़ता है। खैर, जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह विलन्स को खत्म करने के लिए मुझे अल्टीमेट विलन बनना पड़ा, क्योंकि पापियों के पापों का हिसाब सिर्फ यमराज करता है। यमराज। गेट खोल जल्दी, चला जा। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे सरदार? दो आदमी थे। सुअर के बच्चों? सुअर के बच्चों, वो दो थे। और तुम तीन? और तुम तीन। तुमने ये पिक्चर पहले भी देखी है क्या? पूरे 24 बार सिल्वर जुबली तेरे साथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों तेरे स्कूल की फीस में पिक्चर देखने के लिए पड़ता हूँ? याने का पढ़ लेगा, कौन सा साइंटिस्ट बनेगा? अब ठीक है, तू तो बिगड़ चुका है, अब अपने छोटे भाई को बिगाड़ेगा तू? चल घर चल। जाओ तू भी आ, बैठ जा। कोई और नहीं मिला शादी के लिए? वो हमेशा मुझे मारता है। पता है बेटा, एक विधवा को लोग जीने नहीं देते। तुम सिर्फ 3 साल के ही थे जब तुम्हारे पापा इस दुनिया से चल बसे, और युवराज की माँ चल बसी तब वो और भी छोटा था। तुमने अपने पिता को खो दिया था, और युवराज ने अपनी माँ को, इसलिए हमें तुम दोनों की फिक्र हो रही थी। हमारे रिश्तेदार भी यही चाहते थे, इसीलिए हमने शादी कर ली। हमने शादी इसलिए की ताकि तुम दोनों को माँ बाप का प्यार मिल सके, वरना मैं कभी दूसरी शादी नहीं करती। इसलिए उन्हें गलत समझना बंद करो, तुम अभी बहुत छोटे हो ये सब समझने के लिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे फेंकना, कल पत्ता फेंकेगा क्या? अभी तेरे भाई को भी बुला ले, उसके पास भी माल होगा। मेरे बाबूजी उसको चवन्नी भी नहीं देते, पैसे मुझे देते और उसको थप्पड़। माँ बाप की नजरों में हीरो बनता है तो मैं विलन ही सही, पर मैं ऐसा वैसा विलन नहीं, सारे विलन्स का बाप बनूंगा। मैं बनूंगा यमराज, मौत का देवता। आज से मेरा नाम होगा यमराज सिंह। आपके बेटे के सितारे तो बहुत बुलंदी पर हैं। अच्छा, देखना बड़ा होके बहुत नाम कमाएगा वो। कितना फेंकेगा? नाम सिर्फ एक आदमी कमाएगा, वो है यमराज। चुप कर बेशरम, पंडित से इस तरह बात करते हैं? माफी मांग इनसे। ये पंडित होगा अपने मंदिर का। तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। घर पे तेरी एंट्री बंद करनी पड़ेगी। अपनी एंट्री पे दुश्मनों को डिसेंट्री होती है। जुवारी बनना बड़े होके। बाबूजी बाबूजी बचाओ, बाबूजी। रुक, क्या कर रहे हो? अरे रोको उसे। पकड़ो उसे। मौत किसी के पकड़ में नहीं आती, मैं तो खुद मौत का रचयिता हूँ। यमराज हूँ मैं, यमराज। पर मैं ऐसा यमराज बनूंगा जो गुनहगारों और धोखेबाजों की मौत का टाइम फिक्स करेगा। लोग आज तक हीरो को मानते आए हैं, पर अब वो इस विलन को सिराखों पर बैठाएंगे, वाह वाह करेंगे। हवा पानी आग और यमराज को पकड़ना नामुमकिन है। कहा गया होगा, कुछ पता चला? हाँ, उसके बारे में बात मत करो। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो अभी छोटा बच्चा है, ना समझ है, कहीं ना कुछ पता चला। मिला था पास वाले गांव में, उसकी खूब धुलाई की और होस्टल में डाल दिया। यहाँ रहेगा तो खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, साथ ही मेरे बेटे को बिगाड़ देगा। जाते जाते पता है क्या कह गया तुम्हारा लाडला? भाग रहा हूँ क्योंकि अभी 2.5 फुट का हूँ, 6 फुट का होऊंगा तो सबको भगा भगा कर मारूंगा। मेरे एक एक आंसू का हिसाब 100-100 बार रुला कर लूंगा।
ब्रॉडकास्ट कर रहे हो? हमने कहाँ रोका है? पैसे लॉकर में है, जाओ अंदर जाके ले लो। मैं तो लुट गया, मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? लुटेरे पैसे लूकर हवा हो गए और तुम चाय पी रहे हो? हमारे साहब तो हवा को भी अपने काबू में कर लेते हैं। अबे चिकने, ये बता कौन है तू और किस थाने से आया है? अपनी एंट्री पे दुश्मनों को डिसेंट्री होती है, अपन को पसंद नहीं सवाल जवाब, डायरेक्टली करता है हिसाब। आपका पैसा सेफ है, पासबुक और आधार कार्ड लेकर आओ और अपना माल लेकर जाओ। झोल हुआ तो अपन जिम्मेदार नहीं। आप इंसान की शक्ल में हमारे लिए भगवान है। इस भगवान पर नारियल चढ़ाने आपको मंदिर नहीं आना पड़ेगा। अगर किसी ने लोचा किया तो मैं उसका नारियल फोड़ने खुद आ जाऊंगा। आप एक हीरो की तरह है और हम सबको लुटने से बचा लिया। ये सफेदी की चमकार, अपन हीरो नहीं विलन है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बचपन में सुना था सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, इसलिए टेढ़ों के लिए अपन टेढ़ा है। दुश्मनों ने हमला किया तो आप क्या करोगे? काउंटर अटैक करूंगा या फिर एनकाउंटर। अरे भाइयों, इसे नहीं पहचाना? ये वही दुबला पतला लड़का है जो बचपन में हम लोगों की धोतियां खींचता था और कहता था आप लोगों ने चड्डी
नहीं बनी? तुम वही हो ना छोटू, सुहासिनी के बेटे। खामोश, छोटू नहीं यमराज सिंह। ये यमराज जान मचाता है। Ladies and gentlemen, boys and girls and all the fans, here comes the power king and we call him Yamraj Singh. Yamraj Singh, Yamraj Singh, Yamraj Singh, Yamraj Singh. Oh, dekho dekho Yamraj Singh, all India ka hyper singh. Dushman darke pahunch jaye khandala, phone kare jab ring ring. Iski body still ke sing. Nerves is ki nylon string. Ye khaki mein bhar de modern art ki coloring. Ghar ki spelling hai. Yeah, yeah, yeah. Maan ki swelling de. Yeah, yeah, yeah. Gun ki firing hai. Yeah, yeah, yeah. Har villain ki death warning hai. Bachpan se daring hai. Yeah, yeah, yeah. Power ki branding hai. Yeah, yeah, yeah. Hatke styling hai. Yeah, yeah, yeah. Iski following mind blowing hai. Yamraj Singh, Yamraj Singh. He's on the way to do something. Yamraj Singh, Yamraj Singh. It's a brand new song to sing. Yamraj Singh, Yamraj Singh. He's on the way to do something. Yamraj Singh, Yamraj Singh. It's a brand new song to sing. खुदा का खुदा है ये ये ये, रफ एंड टफ है ये ये ये, शॉर्ट सर्किट है ये ये ये, ये ऐसा ही है व्हाट टू डू। हो जब मेरी एंट्री, लोगों को हो डिसेंट्री। यमराज सिंह, यमराज सिंह, he's on the way to do something। यमराज सिंह, यमराज सिंह, it's a brand new song to sing। शाइनिंग है ये ये ये, तूफान की राइडिंग है ये ये ये, बुलेट की स्ट्राइकिंग है ये ये ये, इसकी आदत लॉ ब्रेकिंग है। हो जब मेरी एंट्री, लोगों को हो डिसेंट्री। यमराज सिंह, यमराज सिंह, he's on the way to do something। यमराज सिंह, यमराज सिंह, it's a brand new song to sing। यमराज सिंह, यमराज सिंह, he's on the way to do something। यमराज सिंह, यमराज सिंह, it's a brand new song to sing। Hey, जानेवन, तेरे फिल्म में पैसे मैंने ऐसे ही नहीं लगाए, यूं ही छोड़ दूं क्या? चलो बैंकों के दो टिकट निकाल, घूमने जाएंगे। कीचड़ में नहाने से पाप नहीं धुलते। पाप छोड़ो, ये तो और मैला होने के लिए कीचड़ में नहा रहा है। वो सब तो ठीक है, ये नहाना धोना तो बाद में भी होता ही रहेगा, पहले काम की तो बात कर लें। अगर आप कीचड़ में यूं ही नहाते रहेंगे तो आप साफ हो या ना हो, लेकिन पुलिस मेरा पत्ता जरूर साफ कर देगी। इसलिए जल्दी नहाइए और मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। भाई भाई, हमारा प्लान फेल हो गया है, हमारे लूटे हुए माल को थानेदार ने लूट लिया है। मेरा पैसा छीन लिया, कितनी ईमानदारी से मैंने बेईमानी की थी।
सुन चाबुक, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर पुलिस मेरे पास आई तो मैं तेरा नाम बता दूंगा। हाँ बोल शकील। चाबुक हमें धोखा दे रहा है, सारा माल खुद ही हड़पना चाहता है। ओए चाबुक, भगवान से हो गया हो तो जरा इधर भी देखो। कितना चिल्लाता है, गला खराब होगा, मैं दबा देता हूँ। दबा दियो ना, हमरा सामने कुछ भी करना लेकिन ऊंची आवाज में बात नहीं करना। क्या कहो कैश चंद, हो गया ना अकाउंट क्लोज? जरा सा मुंह क्या लगाया, तुम तो सिर पे चढ़ गए। तो हार का करूं गेंडा? भाई आप मुझे बस एक मौका और दो, कसम खाकर कहता हूँ उसकी लाश मैं आपके कदमों में बिछा दूंगा। उसकी लाश बिछाने का ख्याल दिल से निकाल दे तू, वरना तेरी लाश बिछ जाएगी। जा कहीं छुप जा। गौर से सुन, ये पुलिस हमारी दुश्मन हो सकती है मगर इन नेताओं की गुलाम है ये। हम धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे और फिर अपने दुश्मनों को घूसा मार मार कर ऊपर पहुंचा देंगे या जमीन में गाड़ देंगे। जरा सा सब्र कर, ये भी टपक जाएगा। ए मुच्छड़। हाँ भाई। पता लगा वो कहाँ रहता है, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कैसे हैं बाबूजी? मेरे लिए नाश्ता छोड़ा है? जा जाकर माँ से नाश्ता मांग ले। क्या माँ, आज फिर से करेला? इतना करेला खाऊंगा तो अगले जन्म में कड़वा पैदा होऊंगा। अरे इस जन्म में करेले से कुछ कम है क्या? कितनी बार कहा है कि अपने बाबूजी के साथ काम में हाथ बटाया। फिर शुरू हो गई। अरे तेरी अंगूठी कहाँ गई? छोड़ो ना माँ। सच सच बता। मेरी सगाई कर दो, नहीं मिल जाएगी। तेरी सगाई किससे? मुझे छोड़ दो। अरे साहब मैंने कोई झोल नहीं किया, जो भी किया होगा मेरे बाबूजी ने किया होगा। अरे झंडू, जब तेरे दिमाग का ढक्कन ही बंद है तो दूसरों की दुकानों का ताला क्यों खोलता है? ये क्या तरीका है बात करने का, इनसे कहो बंदूकें हटाएं। मैं क्या करूं माँ, बाहर कम मगर घर में दुश्मन ज्यादा है। बंदूक नीचे। तू तो मुझसे बात ही मत कर, पुलिस की नौकरी के बाद तो तू तनख्वाह के बहाने सिर्फ एक ही बार आता है और इस बार तो पूरे 3 महीने में आया है। मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ, अब मेरा इसी गांव में ट्रांसफर हो गया है, नौकरी और गाड़ी तो है, माँ चाहिए। मेरा ख्याल तो तू रख लेगा मगर इनका ख्याल कौन रखेगा, कभी सोचा है? मैं नहीं आऊंगी, तुझे आना है तो आ चल। मैं और यहाँ? अगर सोते हुए किसी ने मुझे कुएं में फेंक दिया तो, खाने में जहर मिलाकर मेरा पत्ता साफ कर दिया तो, बिजली का झटका भी दे सकते हैं। मैं ऐसी खतरनाक मौत नहीं मरना चाहता हूँ। चल जल्दी से मुझे आशीर्वाद दे। फौजियों, मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, अगर कोई हिला तो उसे सुला देना। जीता रहे जीता रहे, अपने पिताजी से भी आशीर्वाद ले ले। जहर पीने बोल वो पी लूंगा पर ये मुझसे नहीं होगा। चुप कर, तू जानता है किसके बारे में बोल रहा है? अपने पिता के बारे में कैसे बोलता है क्या? मुझे कभी खुश नहीं देखेगा। ये क्या है? सासम खास, इसे यूज करो, सांस लेने में तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। चलेगा, माँ की देखभाल यही करेगा। ये चश्मा दे, चश्मा दे। हाँ ये लीजिए। ये राशि फल। ग्रहों की क्या दशा है? क्या बताऊँ, शनि का ग्रहण तो मुझ पर ही लगा है। तब तो शनि को ही पनौती लग गई। पनौती ज्यादा देर नहीं चलेगी, 12 की 12 राशियों को मैं बस में कर लूंगा। माँ बाप के खर्चे पे करो कंट्रोल, अवॉइड गर्लफ्रेंड एंड से पेट्रोल। क्या ये टाइम से आवानू? घड़ी बनती यार। गुड मॉर्निंग सर, अगर आप यहाँ के नए दरोगा है तो मैं यहाँ का पुराना हवलदार हूँ। By the way, my name is Khan. लोकपाल। नहीं 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 सर, लेकिन मेरा नाम आज है। से तुम्हारा नाम होगा लोकपाल। पर आधार कार्ड में भी मेरा नाम अलग है। तू अपनी जिंदगी में कभी पास नहीं हुआ इसलिए तेरा नाम लोकपाल। I see, लोकपाल अच्छा नाम है ना। ए लोकपाल। क्या? अबे एक बात बता, मैं इस पुलिस स्टेशन का नाम रोशन करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? बल्ब जला के रोशन कर सकते हैं पर पहले ये सिगरेट तो फेंक दो। फेंकने के लिए थोड़ी पैसे दिए, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है ये ले फेंक दी, आज से तेरा खून पीऊंगा। देख लेना एसिडिटी हो जाएगी। यमराज का साम्राज्य, चेंबर ऑफ हेल। सर आप जादूगर है क्या? क्यों बे? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? बिना ब्रश और कलर के थाने का नाम जो बदल दिया। ऐसा क्या? हाँ। ये लोकपाल कहिए। तू रोज मुझे ताजा खबर सुनाएगा वो भी गरम चाय के साथ। अरे क्या आज तक लगता हूँ क्या? है नहीं लेकिन अब बनना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यार ये रौड़ी तो है ही, खिलाड़ी भी है। ओहो घोड़ा जीप और बाइक, जीप बाइक है तो घोड़ा किस लिए? डीजल महंगा थे गया। जेल पूरा हाउसफुल है सर, कुछ लोग अंदर जाने के लिए बाहर वेटिंग में हैं। है
अक्कर बक्कर बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरे सौ। डाकू लोगों ने हमला क्या किया? अगर गोली इसके कान में लगती तो इसे जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ती। ड्यूटी क्या सोने के लिए ज्वाइन की? मला थोड़ी झोप आ ली इसलिए मैं झोप गया। अबे तू थाने में क्यों झोप रहेला है? हाँ? तेरे को घर जाके झोप नहीं मिलती क्या? अरे सर काम ही इतना जास्त होता है और बाइकों पर मार मार के उठाती है। तभी तो 10 साल की शादी के बाद भी एक छोटा सा लल्ला भाभी की गोदी में नहीं खेल रहा है। मैं आजादी में यकीन करता हूँ। जेल में तुम सब बंद हो, दम मेरा घुट रहा है। लफंगो, नो लॉक इन लॉक अप। सब लोग इस थाने के अंदर आजाद हो, कबड्डी खेलो, चोर पुलिस खेलो, मगर स्कूल के अच्छे बच्चों की तरह डिसिप्लिन मत तोड़ो। और अगर भागे तो अपने पैर पे खड़े नहीं रह पाओगे। सर अगर ये एक बार भाग जाएंगे तो इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। भाग जाएंगे नहीं, भाग रहा है। इट्स एंटरटेनमेंट टाइम। अबे लुखे गणपत, ये छिपकली रख, डायनासोर निकाल। ए! क्या है? रुक जा। क्यों? ज्यादा दूर जाएगा तो तोप मंगवानी पड़ेगी। ये यमराज सिंह का थाना है, यहाँ से नहीं जाना है। बीइंग ह्यूमन का टी-शर्ट पहनकर इनह्यूमन काम करता है। अरे ओ यमराज सिंह के फौजियों, यस सर, उठाओ बंदूक और लगाओ निशाना। यस सर। क्या सर, सारी बोतलें नशे में झूम रही है, इनका नशा तो उतर जाने दीजिए, फिर हम इन्हें खड़े खड़े उड़ाएंगे। अरे क्रिमिनल्स भी जब सामने आएंगे तो एक जगह थोड़ी ना खड़े होंगे, भागेंगे। थानेदार से मिलना है। साहब ट्रेनिंग में बिजी है। उसे बोल चाबुक सिंह आया है। अरे तू चाबुक हो या चमड़े की बेल्ट, मेरे को नहीं पहनना। साले चमचे ज्यादा बोल मत। चमचा नहीं फैन है, मैं बोलूं या मेरा फैन, बात एक ही है। क्यों सुना ना? गांव में स्वागत है तुम्हारा। मेरी पार्टी सत्ता में है, यहाँ का उभरता हुआ नेता हूँ, सूरज की तरह पूरे गाँव को प्रकाश दे रहा हूँ, और उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं। मैं उगते सूरज पर भी ग्रहण लगा सकता हूँ। सुना है कि तूने बैंक के लुटेरों को पकड़ लिया और सारा पैसा गांव वालों के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। काबिले तारीफ है, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा नहीं दिखा। तेरे बाप का नाम पता नहीं था ना? माँ से पूछ क्या, सारे अकाउंट सेटल कर दूंगा। बहुत बोलता है तू। मेरे पास कॉन्फिडेंस है, दम है, हिम्मत है। बहुत देखे तेरे जैसे, कई आए और कई गए। थोड़ा कम बोल, ज्यादा बोलेगा तो तेरी उम्र कम हो जाएगी। वैसे तो आज तक मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाया, तो तू क्या करेगा? हमारा इतिहास नहीं जानता, तभी ऐसा बोल रहा है। तेरा इतिहास जो भी हो, भविष्य मैं ही लिखूंगा। हम यहाँ मार काट करने नहीं आए, बस मुलाकात करने आए हैं। मैं गुंडों से मुलाकात मुक्कालात के बाद करता हूँ। यहाँ हम बहुत लोकप्रिय हैं, सब जान देते हैं। लोकप्रियता होती है गरजने वाले बादल जैसी, जो सूरज निकलते ही साफ हो जाता है, लेकिन मैं आसमान हूँ। बादल, बिजली, आंधी, तूफान सब अपने सीने में लेके चलता हूँ। आसमान पे थूकने की कोशिश करेगा तो थोबड़ा तेरा ही बिगड़ेगा। ज़बान को लगाम दे। आवाज़ नीचे। सर सर सॉरी सर। हे लोकपाल, उठा मत, बजने दे। ले मेरा 30 रुपया महीना कटता हो, पर आज वो वसूल हो गया। अबे जोरदार, आज नकद कल उधार, समझा? हरी पत्ती लाएगा तभी पत्ते खेलने मिलेंगे। अरे पैसे नहीं तो क्या हुआ, चांदी के बर्तन तो हैं। अरे ऐसा ऐसा नहीं है, इसकी आज लॉटरी लग गई है। अरे स्विस बैंक, कितना दाम मिलेगा रे इसका? अरे सुखराम, तेरा दादा आईसीयू में भर्ती है, ऊपर का टिकट कंफर्म है, जा जाके आखिरी बार उनसे बात तो कर ले। दादा चल रहे पत्ता फेंक। अबे तू देखने नहीं जाएगा? अबे लॉटरी थोड़ी लगी है, जो देखना है। किसकी बारी है? चल पट्टे उठा। अबे तूने गिराया, मैंने उठाया। छे पत्ते भी क्या चीज है, इसे ऊपर वाले ने हमारी लाइफ बैलेंस करने के लिए बनाया है। अरे पुलिस वाले आ गए, भागो। अरे कहीं मत जाओ, पुलिस की धमकी और बीवी की धमकी में कोई दम नहीं होता। आराम से पत्ता खेलो, कुछ नहीं होगा।
अरे ओ यमराज सेना, यस सर, आधे उधर सर, आधे उधर सर, बाकी ट्विटर की तरह मुझे फॉलो करो। आप लोग जाइए, हम थक गए हैं। ओहो आलसियों, ऊपर की मलाई खा खा कर चर्बी चढ़ गई है। और उतारने के लिए क्या करें? काम तमाम करना है। ताश खेलने वालों की लाश बिछा दो, उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दो, सर पे कफन बांधो, आज वो नहीं या हम नहीं। शायद तुम लोग नहीं जानते, मुझ में भी एक्टिंग का कीड़ा है। अरे ओ लोकपाल, सर लिख। लिखना है? क्या लिखना है? जब जब मेरे मुंह से फैंटास्टिक डायलॉग निकलेंगे तो मिनी डायरी निकाल और लिख लिया कर। लेकिन उसे लिखने की क्या जरूरत है? अच्छे डायलॉग बार बार नहीं निकलते, जब निकलते लिख लिया कर। लेकिन अभी हमें ताश खेलने वालों पर रेड मारनी है, ना कि उन्हें पंचलाइन सुनानी है। हम सालों से रेड करते आए हैं, हमसे अच्छा रेड कौन करता है? थाने का कलर भी रेड है। बुलेट दिखाओ, जुआ हटाओ। अरे भागो यमराज सिंह आ गया। ए काय आ रहे तुम लोग? निकल ले। पीछे पुलिस है, मुझे छुपा लो। खेल खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हम लोग फुटबॉल में पीछे इसलिए ताश खेलते हैं। 30 साल से ताश खेल रहा हूँ। तुम इनकाउंटर में स्पेशलिस्ट हो और मैं ताश में स्पेशलिस्ट हूँ। आज तक मैं नहीं आ रहा है। जानते हो जेलर को 50 बार हरा चुका हूँ। अभी पत्ते लगा कर देखो, ताश में गोल्ड मेडल ले चुका हूँ मैं। अच्छी बात है, मैं तेरे को देता हूँ ताश का गोल्ड मेडल। ये ले तेरा इनाम। अबे छेद करेगा क्या पैर में? दो चार छेद और कर दूँ। लगता है पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अरे अब कहाँ भागे? उनके हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। बचाओ। ओए, कोई भी मिले तो उन्हें मारना कम, घसीटना ज्यादा। इतने दिन कहाँ थी? क्या कहा? शादी हो गई? अभी नहीं। तब तो कभी नहीं छोड़ूंगा। किसे? क्रिमिनल्स को। मुझे तो छोड़ो वरना मैं फिसल जाऊंगी। मैं तो पहले ही फिसल चुका हूँ। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम डॉक्टर हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे और भी काम है, छोड़ो मुझे। ओ हाँ, ये तो फुलटू फटाका है। कहीं तुम्हारी कमर लचक तो नहीं गई? शर्माओ मत, कहो तो बाम लगा दूं। बिल्कुल ठीक हूँ। साहब कुड़ी मिला क्या? सब कुछ। तुम्हें हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं फंस गया। एवढे मोटे दरवाजे में फंस गए? खो गया मेरा दिल। बढ़ने वाला है मेरे मोबाइल का बिल। ओ चाचा, समय पे इंस्टॉलमेंट देते रहो। अगर मेरा बैंक ऑफिसर वसूली करू पांडे आ गया ना तो दुकान से हाथ धो बैठोगे। सारा सारा मार्केट ही भुक्कड़ हो गया है। क्यों रे, ड्यूटी पर नहीं गया? ड्यूटी पर ही तो हूँ, किसी ने ईएमआई नहीं दिया। कोई तुझे नहीं दे रहा है तो क्या हुआ? मैं तो तैयार हूँ। सचमुच तो दो ना। पहले तेरा भविष्य सुन। आज किसी ड्रीम गर्ल से मिलने का मजबूत योग है। मिलने वाली नई कन्या सुपर हॉट होगी। लेकिन उसके पास जाकर कहीं खुद को जलाना लेना, आज काम में सफलता मिलने की चांसेस ना के बराबर है। पर किसी कन्या के झांसे में आने के फुल टू चांसेस है। एक बार लड़की ग्रीन सिग्नल दे दे तो मैं मौका नहीं छोड़ता। भागो, तीखी मिर्ची आ गई। सुबह सुबह क्या टाइम पास हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे देर हो जाएगी, दुकान तुम खोलना। बोनी हुई या नहीं? सुबह से दुकान खोल के बैठी हूँ, अभी तक नहीं हुई। लक्ष्मी, इस थानेदार के प्यार में तो मैं गिरफ्तार हो गई। इस हैंडसम हीरो को अपना बनाऊं कैसे? ओए लंगोटी, आया। वन मोर टी। ये लीजिए। चाय से काम चला लो, दाल नहीं गलने वाली। चाय में मक्खी की तरह गिर मत। अगर तुझे अपना कनेक्शन फिट करना है तो मैं अपना काट लेता हूँ। नहीं सर, उससे अच्छा है बाजू वाली को पटाओ, वो येड़ी फट से रेडी हो जाएगी। ये वाली बहुत स्ट्रिक्ट है सर। स्कूल की प्रिंसिपल है जो स्ट्रिक्ट है, आम लड़की तो है बापू। हाँ? कुछ लड़कियां हफ्ते में पटती हैं, कुछ को पटाने में महीने लग जाते हैं, कुछ साल भर के बाद हाँ कहती हैं। सुन चंपाक, 1 ईयर लगे या फिर लीप ईयर, लड़की के लिप हाँ बोल ही देते हैं। हाँ।
क्या चाहिए तुम्हें? भाग्यलक्ष्मी फैंसी स्टोर कम लेडीज एम्पोरियम कम हैंडीक्राफ्ट कम गिफ्ट शॉप, इतनी बार तुम कम 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 कहकर बुलाओगी तो आना ही पड़ेगा ना। क्या चाहिए आपको? मुझे जो चाहिए वो तुम दे सकती हो? हाँ, मांग कर तो देखो। ऐसा क्या? हाँ? चिकनी कमर, बाली उम्र, गोरा बदन, बेबी डॉल, दुल्हन गुड़िया चाहिए। क्रेडिट कार्ड चलेगा? मुझे सब चलेगा, राशन कार्ड दोगे तो भी चलेगा। नाम क्या है? सीधी सादी, प्यार से तो मुझे शर्मिली कह सकते हो। ये बताओ कोई ऑफर वॉफर चल रहा है क्या? हनीमून पैकेज चलेगा क्या? कहीं भी क्या शुरू हो जाती है? यहाँ क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, कैश देना पड़ेगा। ये लो तुम्हारी दुल्हन। बिना दूल्हे के दुल्हन का क्या फायदा? नाइस पैर, क्या जोड़ी है ना? अगर हम सफर अच्छा ना मिले तो इंसान भी कठपुतली बनकर रह जाता है। वाह वाह, क्या बात है, सुपर हिट डायलॉग है। ए लोग पास, नोट कर ले। नहीं नहीं, रहने दे, मैंने यहाँ नोट कर लिया है। मुझे कब नोटिस करोगे जी? नाम क्या बोला? शर्मिली। नाम की तरह जिस दिन शर्म आएगी जोड़ी जम जाएगी। ये है वसूली करूं पांडे, ग्रामीण सहकारी बैंक डैमेजर, आई मीन मैनेजर। ईएमआई के नाम पर ये गरीबों का खून चूसता है। ये मामू औरतों से बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट वसूलता है। कर्जदारों, जल्दी जल्दी 10 दिन का राशन पानी साहब की गाड़ी की डिक्की में रख दिया जाए, वो गाड़ी से उतर गए तो भारी पड़ेगा। ऑलरेडी उतर चुका। ए, कहीं भी छुपा ढूंढ लूंगा, मैं किसी की जान नहीं लेता। ईएमआई और इंस्टॉलमेंट ले लेके खून चूसता हूं। अरे मेरी रसमलाई, मेरा इंटरेस्ट कब चुका रही है? चुका तो दिया पहली तारीख को। बैंक इंटरेस्ट नहीं रे पगली, मेरा इंटरेस्ट। फिर आप इस बार जल्दी आ गए। तू लाल साड़ी में ऐसी लगती है जैसे साड़ी में लिपटा हुआ गुलाब। और मेरी साड़ी देख के अपनी माँ को याद किया कर। कसम से माँ, इस गन्ने से ज्यादा वो लड़की मीठी है। बच के डायबिटीज ना हो जाए। बेटा जब प्यार होता है ना तो ऐसा ही होता है, दिल इंजन की तरह धक धक करने लगता है। मामा मामा, लेफ्ट में जो लड़की है वो। तो तू उस लाल साड़ी वाली को घर की लक्ष्मी बनाना चाहता है? माँ तू तो जीनियस है, बेटे की नस नस पहचान गई। चल तू रुक, मुझे अपनी बहू से अकेले में मिलना है। क्या चाहिए आपको माँ जी? कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ नहीं बेटा, कल हमारे घर में सत्यनारायण पूजा है तो कोई खुशबूदार अगरबत्ती दिखाओ तो भाई तेरे। जी है ना, ये देखिए, ये चंदन अगरबत्ती और ये गुलाब जल और इसके साथ कपूर का पैकेट। सॉरी, अंग्रेज चले गए। सॉरी छोड़ गए, इस वसूली करू पांडे को चूना लगाने के लिए रोज तुम जैसे सॉरी बोलते हैं। जय माफ किया। तो वसूली करू पांडे तुम ही हो? कोई शक है क्या? 100% मैं ही हूँ। 50 कोस दूर तक लोग जिस नाम से डरते हैं वो है वसूली करू पांडे। एक फोटो ले लूं? तुम भी साथ आ जाओ। नामचिन हो, सोलो फोटो। क्रेजी फैन, ठीक है चल ले। आहा, क्या स्टाइल है, क्या लुक है। फ्रंट से सलमान, साइड से ऋतिक। सर, खतरनाक टेररिस्ट चमन चिंदी मेरे सामने खड़ा है। चमन चिंदी? यमी खा के टमी बाहर है और टकले पे बाल की थोड़ी कमी है। शक्ल से खूंखार नहीं, कॉमेडियन लग रहा है। एमएमएस से फोटो भेजा है, वही है क्या? मैचिंग, कार्बन कॉपी, सेम टू सेम। दासू, गुड 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 गुड। मैचिंग? आगे क्या प्रोग्राम है? 2 ग्राम की गोली से उड़ा देंगे, फिर डीएनए टेस्ट, अगर मैच हुआ तो बॉडी समंदर में, और नहीं हुआ तो क्या? गटर में, सिंपल। जान लेने से पहले चेक क्यों नहीं कर लेते? इस बार नहीं बचोगे, रूल्स आर रूल्स। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। पीछे से की तो इस माफ कर दो। एक ही शर्त पर, वसूली के नाम पर लोगों को डराना बंद करो। कृपया। जय राम जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। मान सम्मान के लिए आप सबका शुक्रिया। आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया? सेवा के लिए। मेरा भतीजा बिजनेस में बहुत नाम कमा चुका है, अब जनता जनार्दन की सेवा करना चाहता है। जनता की भलाई के लिए
हम इस बार इलेक्शन लड़कर एमएलए की कुर्सी पर बैठ के रहेंगे। पॉलिटिक्स बहुत कॉस्टली हो गया है आजकल। बिल्कुल सही, आपको भी बदले में कॉस्टली गिफ्ट्स मिलेंगे। बहती गंगा में हाथ धोने में क्या बुराई है? वोट दो, नोट दो, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 करोड़। इतने ज्यादा? अरे 3 करोड़ होते तो मैं रिटायर हो जाता। सुपरमार्केट के आने की वजह से हमारा धंधा तो ढीला पड़ गया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जान देने से अच्छा है पैसा देना, फैसला अभी होगा। ए सुन, हम तो डरते नहीं है। अगर तू भीख ही मांग रहा है हमसे तो भिखारी की तरह मांग। कमीना चाचा, भिखारी भतीजा। मेरी खराब कर मुझसे ही सवाल लड़ाता है? हाँ, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? सुन मेरे मुछड़, जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक मार्केट की एक भी दुकान नहीं खुलेगी, वरना तू मरेगा। जब चाबुक सिंह का चाबुक चलता है तो सबकी खाल खींच लेता है। दुकानें क्यों बंद है? इस तरह जबरदस्ती करना तो जुल्म है। आपुन कोई दुलूम नहीं कर ले लाए, आपुन तो अन्ना जी की तला अहिंसा का लाता अपना ले लाए। आप उनकी मलजी के खिलाफ किसी ने दुकान खोली तो उसका सेटल डाउन। सारी दुकानें मेरे रहते किसके डर से बंद की गई है? आज तो भारत बंद भी नहीं है, है ना? आखिर लोचा क्या है? दुकान वालों, अगर दुकानों का शटर नहीं उठा तो इन टपोरियों की लाश उठ जाएगी। वाह 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 वाह, अरे लोकपाल जी सर, लाइन नोट कर। ठीक है, मगर इतना नोट मैंने स्कूल में भी नहीं बनाया। थाने में तो बहुत नोट बनाता है। मैं चाहता हूँ मेरे उच्च विचारों की किताब छपे। एक और हेडेक। वाह, अच्छा नाम है, हेड एक दर्द अनेक। वाओ, सॉलिड, सुपर्ब। तूने अपनी दुकान क्यों खोली? अनशन चालू है। अनशन करना है तो रामलीला मैदान में जाकर कर। ये मार्केट तेरे बाप का है क्या? तेले बाप का भी तो नहीं है। क्या बोला? अपुन जहाँ बैठ जाता है दुकानें वहीं से बंद होनी शुरू हो जाती है, और तुझ जैसे लंगूल की अकल खुल जाती है। लोकपाल सुना, ये भी नोट कर ले। अरे रुको, नहीं। सब दुकानें खोलो अब, ये यमराज सिंह का फरमान है। चले, अगर तू यमराज है तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। तूने अपुन से पंगा कैसे लिया? हाँ बोल। सिर्फ भौंकने से कुछ नहीं होता, काटना भी पड़ता है। दांत हैं या घिस गए हैं? काटूंगा भी, पहले कबड्डी के मैच में हला के तो दिखा बे। ठीक है, पहले कबड्डी और फिर हथकड़ी तो हो जाए। ये शेर अकेला एक तरफ, गली के कुत्ते सब एक साथ। अगर तुमने एक पॉइंट भी बनाया तो मार्केट की दुकानें बंद। अगर नहीं बनाया एक भी पॉइंट तो तोड़ दूंगा तुम्हारे बॉडी के सारे जॉइंट। मैं रेडी हूँ, मैंने कबड्डी में अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़ के रख दी हैं। सच में? कबड्डी 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 अबे एक एक करके आओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक साथ 3 आओ। कबड्डी 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 हड्डी तोड़ू तू जाना। ना रे बाबा ना, वो कबड्डी नहीं खेल रहा, वो तो मुआ कुश्ती खेल रहा है, इसको कबड्डी थोड़ी खेल। बोला ना, जा जा। कबड्डी 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 कबड्डी, जाने दो ना साहब, कपड़े धोने हैं, कबड्डी कबड्डी, खाना बनाना, घर जाके कबड्डी कबड्डी, बाद में बर्तन भी मांजने हैं, मरते कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ओई मां, देखा मैंने कहा ना, ये मुआ कबड्डी नहीं खेल रहा, मैं आउट।
मेरी कमर लचक गई सर, अब ठुमके कैसे लगाऊंगा? तो पुलिस वाला इसलिए खुद को देर चाना समझता है? अगल वल्दी में नहीं होता तो तेरी चड्डी उतार देता। इस पुलिस की वर्दी ने मुझे भी बांध के रखा है, वरना गेम फिनिश हो चुका होता। अब तुम ही डिसाइड कर लो कि वर्दी में मार खाओगे या डायरेक्ट ऊपर जाओगे। वर्दी में इतना धोयो तो बिना वर्दी के? तो अगर मेरी तरफ आओगे तो बच के कहाँ जाओगे, और अगर मैं उस तरफ आया तो कहाँ भागोगे? भाई ये अपनी तरफ बुला के बड़ा शाना बन रहा है, उसको इस तरफ बुलाओ। जियो ललन। सुन, अगल माँ का दूध पिया तो इस तरफ आके दिखा, अपनी गली में तो चूहा भी छेल होता है। कबड्डी 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 मार्केट बंद करवाएगा, मार्केट बंद करवाएगा। नहीं भाई, अपने से कैसे कर सकते हैं भाई? मार्केट बंद करवाएगा, मार्केट बंद करवाएगा। अरे भाई, चल के मत मालूम भाई। अरे भाई, मार्केट तेरे बाप का है, चक्का जाम करेगा तू, भाड़े का टट्टू। तेरी बॉडी में बहुत खुजली हो रही है ना, आज तेरी सारी खुजली मैं निकालता हूँ। चल चल निकल यहाँ से। उस दिन उसने हमसे बैंक का पैसा लूटा, मार्केट में सबके सामने मेरी इज्जत को उछाला। जब तक मैं उसे खून के आंसू न रुला दूं, चैन से नहीं सोऊंगा। खून के आंसू उसे तो क्या, उसके पूरे खानदान को बहाने पड़ेंगे। तू अपनी नींद क्यों खराब कर रहा है? ये थानेदार अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए यहाँ ट्रांसफर लेकर आया है। उसकी फैमिली ही उसकी ताकत है, जिसे हम कमजोरी बना देंगे। उसे पता चलेगा कि मेरी असली ताकत किसे कहते हैं। वक्त की नजाकत को समझ बेटा। मतलब? अपने मंत्री जी अगले हफ्ते विकलांग कल्याण मंडल का उद्घाटन करने अपने ही गांव में आ रहे हैं। हम फिर की घुमाएंगे और उस थानेदार का ट्रांसफर किसी और शहर में करवा देंगे। हाँ, बात तो तब बनेगी जब सांप भी मर जाए और अपनी लाठी को भी कोई नुकसान न पहुँचे। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। अच्छा पीस है, हल्का भी है, खास आदमी का खास फोन। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, हम मंत्री जी को टच स्क्रीन वाला फोन दे देंगे। अरे नहीं, ईमानदार नेता मोबाइल नहीं लेता। हाँ, और चाबुक सिंह क्या हालचाल हैं? कुछ नहीं, वो नया दरोगा आया ना यमराज सिंह, बस थोड़ा सा परेशान कर रहा है। पार्टी का नाम खराब ना हो जाए, बस इसीलिए मेरा भतीजा हाथ पर हाथ धरे बैठा है। थानेदार का ट्रांसफर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओ बब्बर शेर, यानी यमराज सिंह, मैंने भी उसके बारे में सुना है। अच्छा चाबुक, कुछ लोग किस्मत लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग शोहरत लेके पैदा होते हैं, मगर यमराज सिंह दोनों लेकर पैदा हुआ है। लोग तो जैसे उसके दीवाने होते जा रहे हैं, और इस वक्त ऐसे पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर करना ठीक नहीं। और कुछ? अगर मेरे भतीजे को इलेक्शन में एमएलए का टिकट मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। हाई कमांड अभी भी तुम्हारे भतीजे को गुंडा मानते हैं। खैर, अभी ये युवा नेता तो बन ही गया है, अगर एमएलए या मिनिस्टर बनना है तो थोड़ा इंतजार और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर अपनी गुंडागर्दी पर कंट्रोल करो तो हाई कमांड को तुमसे प्रॉब्लम नहीं होगी।
और तुमको यमराज सिंह से क्या बोलते हो? ये हाई कमान क्या है? क्या है ये हाई कमान? मैं ही वो गुंडा हूँ जिसने तुम्हें पिछला इलेक्शन जितवाया था, वो भी ऐसे वक्त जब ऑपोजिशन ज्यादा मजबूत था, फिर भी मैंने तुम्हें समझो समझो कुत्ते की तरह दिन रात एक करके मैंने इनके लिए काम किया। तो आज इनकी एक ट्रांसफर करवाने की हैसियत नहीं है। चाबुक सिंह, कोई भी आदमी इसलिए कुत्ता पालता है ताकि वो दूसरों पे भौंके, अपनों पे नहीं। राजनीति में तरक्की सबको साथ लेके चलने पर मिलती है, हंगामा खड़ा करने पे नहीं। पार्टी को गुंडों की जरूरत सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होती है, ना कि अपने साथ असेंबली में बिठाने के लिए। इनॉग्रेशन के लिए देर हो रही है। सुनो, यमराज ने यहाँ भी काम बिगाड़ दिया। आज इस मिनिस्टर ने अपनी औकात बता दी। वो कमीना जैसे ही स्टेज पर आए, जूते चप्पल बरसाना। ऐसा सोचना भी मत, वो मंत्री है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। सुन लोकपाल, पिछली बार मेले में काफी लोगों की जेब कट गई थी और सारे पॉकेट तेरी जेब से मिले थे, इस बार यमराज सिंह, मुझे छूने का अच्छा बहाना है। थोड़ा तो कंट्रोल करो, बहुत लोग हैं यहाँ। कैसे कैसे करूं अपने आप को कंट्रोल? तुम्हें देखकर मेरा नेटवर्क चला जाता है। लेकिन मेरा नेटवर्क तुम्हारे इनकमिंग का हमेशा इंतजार करेगा। बस सेंड SMS, दिन बिल में MMS। और कुछ? मेरा नंबर तो ले लो, 99 88 174 2 2 2। क्या दूँ? पास आ जा तू। ड्यूटी पे हूँ। चलती हूँ। ओके। नंबर कैसे? नंबर अच्छा है। सच में? संभल कर जाना। बाय बाय। हाय। आजकल लोग फोन के लिए भी लोन लेते हैं। ऐसा क्या? लोन देते देते मैं थक गया हूँ। पहले गिव मी लोन, बाद में लीव अलोन। हेलो, कौन चाहने वाला है? यमराज सिंह। हाय तैया, यमराज सिंह, क्या दूं आपको? तेरे बाजू वाली को फोन देगी? ये लो, यमराज सिंह। मुझसे क्या बात करनी है? हेलो। हेलो, तुम मुझे और मेरी माँ दोनों को ही पसंद हो। तुम्हें दिल का हाल बताने के लिए मैंने कॉल किया है। तुम्हारी ब्यूटी की वजह से मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन तुम मुझ पर गिरी, मैं तुम्हारे प्यार में गिरा। ये ले, तुझसे कुछ कहना चाहता है। अर्ज किया है, तेरी अदा पे दिल हो गया फिदा। शादी कर ले मुझसे। मैं तो कब से तैयार हूँ। सुन सर, तेरा कॉल है। यस सर। एंजॉय कर। तुम्हारे होठ कितने हॉट हैं। कहानी है। और तुम्हारी स्टाइल मेरे दिल पर बिजलियां गिराती है। चुप क्यों हो गई? कोई टेंशन है क्या डार्लिंग? अरे कहाँ चली गई? तुमने तो दीवाना कर दिया। ए बैंक लोन यूज कर अपना फोन। प्रदीप कुमार जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप कुमार जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? इस सभा को संबोधित करने के लिए अब मैं मंत्री श्री प्रदीप कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारा भारत देश दुनिया में एकता का प्रतीक है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब में जितना भाईचारा है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मुझे आप लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि इस गांव के विकास के लिए मैं होम मिनिस्टर से कह के बिजली और पानी का और बेहतर तरीके से इंतजाम करूँगा और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मुफ्त में शौचालय भी दिलवाऊंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अब आपके बीच अपनी बात कहने आएंगे युवा नेता चाबू सिंह। आप लोगों को मेरा नमस्कार। प्यारे भाइयों, शुरू हो जाओ। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है ये क्या हो रहा है? रोको इन्हें। यमराज सिंह की सेना पीछे मुड़। यस सर। आगे बढ़।
बेवड़े लोग भी ना आए माई कहां से आ जाते। क्या हो रहा है यहां? ये बोका बहुत गड़बड़ पहुंची लो। जौल में शराब मिला रहा था। पानी में शराब मिलाना खराब काम तो नहीं? किसने पकड़ा इसे? मी पकड़ला साहेब। ये ना पानी में दारू नहीं, टैंकर मधे दारू मिला के पी तो। नशे में, छोड़ दो इसे। छोड़ दे? हाँ जाने दो इसे। जाने दे इसे? कितनी आसानी से कह दिया आपने। हमने अपनी जान पर क्रिकेट खेलकर इतने खतरनाक क्रिमिनल कैच किया है और आप कह रहे छोड़ दे इसे? कोई बात नहीं सर, सीनियर अपने जूनियर की तरक्की कभी नहीं देख सकता। क्या यही है इंसाफ? आपके पास है कोई जवाब मेरे सवालों का? हाँ अबे पीस ने चढ़ी तेरे को है। रहने दीजिए सर। बाऊजी, 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 ये मेरे बाऊजी हैं। वाह तुम सही टाइम पर आई हो, वरना हम तुम्हारे बाऊजी को जेल में डालने वाले थे। चाचा तुम रोज पीते हो और कौन सी पीते हो? ये लीजिए मेरे कंगन, ले लीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। मेरे पास सिर्फ ये कंगन ही है और कुछ नहीं है। यमराज सिंह को घुस दे रही हो? अगर कोई और होता तो उसे मैं घर में घुस कर मारता। और लड़की हो तो क्या करोगे? अगर बीच में बोला तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। हाँ तो भारतीय नारी तुम मुझे घुस देना चाहती हो? अरे ओ यमराज सिंह की सेना सर! पीछे मुड़। यस सर। आमचा पाटीमागे साहब क्या कर रहे हैं? कानून अपने लंबे हाथों का फायदा ले रहा है। तुम मुझे घुस देना चाहती थी ना, तो इन खूबसूरत होठों से होठों टिश्यू करवानू, मुस्कुरा दो। अरे यार सारा मजा खराब कर दिया। मुझे हंसी नहीं आ रही है। तुम्हारे इस प्रॉब्लम का भी जुगाड़ है? सेना पीछे मुड़। यस सर। सुनो, जो कोई भी इस लड़की को हंसाएगा उसे 999 रुपए का इनाम मिलेगा। एक रुपए का क्या? TDS काटूंगा। इनाम के साथ मिलेगा फुल खंबा। फुल खंबा? तब तो मैं भी ट्राई करूंगा। जरूर। तो स्लो मोशन में डांस क्यों कर रहे हो? स्लो मोशन मंजे? थोड़ी जान लगा। माझी जान तो घर पर है। मजाक करते हो? नाचो, जान नहीं डालोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। नाचो। सेना सर, मैं अंदर जाकर गुड न्यूज लेकर आता हूँ, तुम गुड बॉयज बनकर खड़े रहो। यस सर। जगाने के लिए कुछ था ही नहीं तो घंटा ही बजा दिया। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और तुम्हारे बाबूजी के लिए मैंने। लेकिन क्यों? मुझे बोलने में शर्म आ रही है, मेरी तुम्हारी शादी के लिए। मैं शादी नहीं करूंगी। मुझसे या किसी से नहीं करोगी? मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे बाबूजी की देखभाल करनी है। वाह क्या वजह है, कमाते तुम हो पीते वो हैं। सिर्फ कन्यादान के लिए रुका हूं, वरना कब का हवालात की हवा खिलाता उन्हें। तुम उन्हें शराब मुक्ति केंद्र क्यों नहीं ले जाती? मैंने उन्हें कितनी बार बोला पर वो मेरी बात ही नहीं सुनते। वो मर जाएंगे तब शादी करोगी? उनके जीते जी मैं शादी नहीं करूंगी। देखो सोच समझ कर। छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ना तो पड़ेगा, तुमने कौन सा जुर्म किया है जो तुम्हें पकड़ लूं? खैर मैं इंतजार करूंगा, चलता हूँ। ये वाला तुमने बनाया? एकदम कलाकार फैमिली है, तुम दिन भर काम करती हो और बाप रात भर पीता है, महान आत्मा हो तुम। इसीलिए हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही है। खाम खा इतने तामझाम किए, नई धोती खरीदी, बैंड बाजा बुक किया, भरी दोपहर में इतना पसीना बहाया, टाइम वेस्ट, कपड़े वेस्ट, पगार वेस्ट। सर का लगन फिक्स हो गया, बैंड बाजा। रुको रे बंद कर, इनके पैसे दे और दफा कर। मैंने पर सर, आप दूल्हा बनने वाले हो, ए बगाड़ो रे बगाड़ो। ए बहरे हो क्या, बंद करो। ये तो पागल हो गया, तुम सब जाओ ड्यूटी पे। मैं आता कुछ भी बोलू नका, सर का मत सुनो, बजाते रहो। उसने मेरे प्यार की पुंगी बजा दी और तुम लोग मेरा बैंड बजा रहे हो। माँ, माँ,
तू यहाँ है। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। तूने भगवान के साथ मिलकर मेरी शादी का अच्छा प्लान बनाया था, पर वो शादी करना नहीं चाहती। फैमिली अटैचमेंट तेरे पे गई है। तू इन दो को नहीं छोड़ सकती, और वो बेवड़े को। वो दिया क्या मशाल लेकर ढूंढे तो भी मुझ जैसा लड़का नहीं मिलेगा उसे। बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और तब वो मेरे पास आएगी। तब मैं भी उसे साफ मना कर दूंगा। मुझे भी अपनी माँ का ख्याल रखना है, उसे तीर्थ यात्रा ले जाना है। कह दूंगा उसे, माँ मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोल। माँ 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 क्या हुआ तुझे? मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं तुझे कभी खुशी नहीं दे पाया माँ। तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा? वापस आ जा। राजा बेटा एक रोटी और खा ले, बस थोड़ा सा मेरे राजकुमार, खा ले बेटा, ले। अरे तू ये हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठा है? खाना नहीं खाना? तू अपने राजा बेटा को खिला, मैंने बहुत मार खा ली है। ऐसी बात नहीं है, मेरा बड़ा बेटा पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे खूब पढ़ाएंगे। छोटा बेटा दिमाग से थोड़ा कमजोर है, इसलिए उसे थोड़ा खिलाएंगे, है ना? कान खोल के सुन ले, अगर तू उनकी इज्जत नहीं करेगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो समझ लेना मैं मर गई। माँ तुम जो कहोगी करूँगा, लेकिन अपने मरने की बात मत करना। तू लिखा अपने हाथों से खिला। मैं कब तक जिंदा रहूंगी तुझे खिलाने के लिए? ये खा लीजिए, आप 3 दिन से भूखे हैं, खा लीजिए। भाई भाई क्या हुआ? भाई 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 मुझे मत मारो भाई। इसके लिए खाना लाओ, मुंह खोल। नहीं भाई खा, मैं नहीं खा पाऊंगा। अपने ही लोगों के सामने चप्पल से मार खाने के बाद खाना खाने के लिए तू मुंह भी नहीं खोल रहा है, पर हमरा ऊपर तो पब्लिक के सामने चप्पल पड़े, हमका खाना खाने की भूख नहीं, बदले की भूख है। बिल्कुल सही कहा भतीजे, हम तड़पाएंगे वो तड़पेगा, रहम की भीख मांगेगा हम नहीं देंगे, सांप के बिल में हाथ डाला है। तो बचेगा कैसे गेंडा स्वामी? आते वक्त मेरे लिए उसका कटा हुआ सिर लेकर आ, अगर नहीं ला सका तो तू गया। ए चल रख ये सब। ये मेला इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? अगर कुछ दिन और चलता तो मैं इस थानेदार को फंसा के दिल में बसा लेती। कैसी औरत है, सर अपने माँ के गम में डूबे और ही उनके प्यार में। सर चाय सर। माँ अचानक चले गई बिना कुछ कहे। मैं उससे बात कर रहा था लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। मैं माँ को रोज देख सकूं, इसीलिए यहाँ अपना ट्रांसफर करवाया। सोचा था शादी करके माँ को घर ले आऊंगा, लेकिन माँ ने फिर से मुझे अकेला छोड़ दिया।
जिंदगी काटने के लिए एक ही सहारा था, वो भी नहीं रहा। दो मिनट रुक नहीं सकते, मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगा यमराज, आज तू मरेगा। सर यहाँ से निकल चलते। अगर दुश्मन हमला करे तो क्या करना चाहिए? मरना चाहिए कि मारना चाहिए? मरना चाहिए कि मारना चाहिए? मारना चाहिए सर। करेक्ट बोला। तेरे घर में पैर रखने से देख
देख आज मैंने तेरे सीने पर पैर रखा है, देख ले गौर से। साले शेर को जख्मी नहीं करते, खल्लास करते हैं, वरना वो ज्यादा खूंखार हो जाता है। तुझे और तेरे सारे कुत्तों को मैं यहीं ठोक सकता हूँ। तुझे जुर्म करना आता है और मुझे जुर्म का सफाया करना। तुझे पॉलिटिक्स में घुसना है तो सुन मेरी बात और लिख ले, लिख ले। अगर तुझे टिकट मिला तो मैं तेरी टिकट काट दूंगा। वोट तो क्या, मेरे रहते तू इस एरिया में भीख भी नहीं मांग पाएगा। हीरोगिरी करेगा तो यही अंजाम होगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ मरना है तो मर, लेकिन मेरी बात तो खत्म होने दे। अगर जिंदा रहना है तो गलत धंधे बंद कर, वरना मरने के बाद कंधा भी नहीं मिलेगा। रुक, बच्चा है तू मेरे सामने, इस शहर का बाप हूँ मैं, ये जान जाएगा तू। होगा, लेकिन मैं तुझे से बाप के पाप मिटाना जानता हूँ। तूने एक और गलती की तो मैं वहीं के वहीं तुझे दफना दूंगा। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तूने दोबारा कभी मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं खुद तेरी जान लूंगा। सुन, तूने सोचा तू खेलने से पहले ही जीत जाएगा, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। थोड़ा आवाज बढ़ा। काट काट कर तेरा गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन यमराज सिंह को अगर ठंडा करना है तो अपने दिमाग को गर्म कर। वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई कमजोरी जरूर होगी। यकीनन हमें उसी कमजोरी का पता लगाना होगा ताकि हम शिकार को चपट लें। बेटा लोकपाल, फिर से कुछ लिखना है क्या सर? गाड़ी की स्पीड बढ़ा। आजकल ट्रक वाले बड़े झोल करते हैं। ए, उतर उतर उतर, चल लाइसेंस दिखा, आरसी बुक दिखा। वो तो घर पे भूल गया। चंदन की लकड़ी लेकर कहाँ जा रहा है तू? चंदन की लकड़ी? अरे सर, ट्रक में लड़कियाँ हैं, लकड़ियाँ नहीं, चेक कर लीजिए। अरे लोकपाल। यस सर। इस ड्राइवर की शक्ल आतंकवादी जैसी नहीं लगती? बाप रे, आतंकवादी? अरे सर, ऐसे केस में मैं किसी को फेस नहीं दिखा पाऊंगा। सर जाइए सर, चेक कर लीजिए। समझदार है, समझदार है। पता है कल रात को मेरे सपने में ना वो थानेदार। तू हमेशा उसे देख के इतनी बेकाबू क्यों हो जाती है? हम लड़कियां हैं, हमें काबू में रहना चाहिए। सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पे, कटना सेब को ही पड़ता है। आज तो सेब को कटने का बहुत मन है। अरे रुक, कहाँ जा रही है? मेरा हाथ थाम ले, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या सर, आप तो चेकिंग के नाम पर सेटिंग करने लगे। स्मगलर का क्या भरोसा, रास्ते में माल लोड किया तो। चल ट्रक निकाल, मुझे ड्यूटी करने दे। सर आप चंदन की लड़की के साथ आओ, हम जीप में आते हैं। क्या? कुछ नहीं सर, बस आप लड़की का ख्याल रखना, हमारी तो कड़की ही चल रही है। खोपियों के बीच किशन कन्हैया। चाचा ये आपकी बेटी है? हाँ बेटा,
पढ़ाई की है? पढ़ाई कम की है लेकिन सिलाई ज्यादा की है। सोचता हूँ इसकी शादी करा दूं। क्या शादी? मगर अभी तो आप जिंदा है। ये लड़की पिता के जिंदा रहते शादी करेगी? अभी तो शादी नहीं कर सकती। इनका ख्याल रखो, जब ये पौवा मारकर गटर में गिरे तो उन्हें घर लेकर आओ। सारी जिम्मेदारियां पूरी करके जब बूढ़े हो जाओ तब शादी करना। मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, देख रही हो? इसे तो अपने पिता की फिक्र नहीं। क्या बोल रहे हो बेटा, क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? आजकल के ये मॉडर्न बच्चे ये ट्रेंड को कहाँ मानते हैं। मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करता, मैं ट्रेंड सेट करता हूँ। हाँ लोकपाल, कितने मिस कॉल मारता है, फोन रख। मंत्री जी हैं क्या? आप कौन? सर आपका इंतजार कर रहे हैं। जैन सर। अरे यमराज सिंह, आओ आओ बैठो। तो बताओ क्या लोगे, कॉफी या टी? घूस। मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो तुम। थोड़ा बहुत, पर ड्यूटी सीरियसली करता हूँ। यमराज सिंह, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर उस दिन तुम वहाँ नहीं होते तो चाबुक सिंह के गुंडों से मैं बुरी तरह पिट गया होता। वो है तो आपकी पार्टी के आदमी, फिर भी राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। आज यहाँ तो कल वहाँ कोई किसी का नहीं, इसलिए सबको साथ लेके चलना ही पड़ता है। अच्छा उस चाबुक सिंह का क्या करना है? आप ऑर्डर दीजिए, उसी के घर में घुसकर कनपट्टी पे बंदूक रखकर ट्रिगर दबा दूंगा। कैसे करोगे? विदाउट परमिशन, विदाउट पावर? सर पावर पोजीशन में नहीं, हमारे अंदर होती है, और जिसके पास पावर होती है उसे परमिशन की जरूरत नहीं होती। चाबुक जैसे गुंडे गुंडागर्दी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ताकतवर हैं। अच्छे लोग खामोश रहते हैं। सुपर्ब, क्या बात है, पता नहीं तुम्हारी कितनी तारीफ करूं। तुमने तो मेरी भी पावर बढ़ा दी। अब तो मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम जरूर उठाऊंगा। चलो हम दोनों मिलकर लोगों के लिए कुछ करेंगे। वाह भाई, टच स्क्रीन वाला है। हाँ मगर रेड और ग्रीन बटन के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। अरे मैंने कॉल करने की बहुत कोशिश की पर टाइम नहीं मिला। तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। बहाने मत बनाओ, अगली बार जरूर आऊंगा। बिल्कुल नहीं मानने वाली। प्लीज मान जाओ। ठीक है तुम्हें चलता हूं। भूला मत। बाय। कौन था वो? श्री। श्री मतलब? श्रीधर, मैं उसे प्यार से श्री बुलाती हूँ। ओह मतलब बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, चाहे फिर वो खुशी कोई और ही दे। एफएम, ये क्या लगा रखा है? आपने मेरा नाम कैसे जाना? आप ज्योतिषी हैं क्या? अरे मैं तो तेरे पूरे खानदान की कुंडली बता सकता हूँ। ईयरफोन पहन के सुनना, मेरे दिल की तार टूट चुकी है और तू म्यूजिक सुना रहा है। देख लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, अगर श्री तुझे पसंद है तो तुम दोनों अच्छा सा मुहूर्त देखकर। क्या बोल रहे हो? वो मेरा भाई है, मतलब मेरी मौसी का लड़का, मंत्री जी के ऑफिस में काम करता है। सच्ची? भाई है। सुनो एफएम, इसका भाई है वो। इतनी दूर ट्रक में बैठ के भाई से मिलने आई? अपने चाहे कितने भी दूर चले जाएं, वो हमेशा दिल के करीब रहते हैं, फिर दूरी चाहे सात समंदर पार की क्यों ना हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, लोकपाल होता तो लिख लेता, कितना अच्छा डायलॉग मारा। एफएम आवाज और कम कर दो क्या सर? वॉल्यूम बढ़ाओ। अब यहाँ क्या लेने आए हो इंस्पेक्टर? यहाँ कोई मुजरिम नहीं रहता। मुजरिम के लिए नहीं, अपने परिवार से मिलने आया हूँ। जिसे मेरी माँ इज्जत देती थी उसे मुझे भी इज्जत देनी चाहिए। जो हुआ उसे भूल जाइए, हम सब साथ में मिलकर रहते हैं। आपकी उम्र आराम की है, काम मैं संभालूंगा। अब अगर तुमने दोबारा और मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बात मान लीजिए। मैं जानता हूँ ये गुजारिश नहीं, मेरे लिए हमदर्दी है, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। आप गलत समझ। बेहतर होगा चले जाओ। सोचता है कि इसके टुकड़ों पर मैं पलूंगा, कभी नहीं। मुझे पैसे चाहिए, पैसे देती है या मैं ये दुकान बेच दूं। बाऊजी यहाँ दुकान पर हंगामा मत कीजिए, मैंने कहा ना पैसे दे दूंगी। हाँ दे और पैसे दे, तूने ही इसकी आदत बिगाड़ी है। ये हमारा आपसी मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बचपन में मैंने इसे अपने पैसे से दूध पिलाया, अब इसके पैसे से दारू पीऊंगा, क्या गलत कर रहा हूँ मैं? उस दिन तुझे हवालात में ना डाल के गलती की। हमें अकेला छोड़ दो। मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना तुम जाओ। तेरे साथ दो मिनट ड्रामा करो चलेगा? दौड़ेगा। बेटी के पैसे शराब में उड़ाता है, बेशरम। मेरी बेटी,
क्या यार? मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। कितनी जोर से मारा। खुद मर्द होकर कुछ नहीं करते हो और अपनी बेटी से काम कराते हो। शर्मी। अरे ड्रामा बोला था, ये तो मार के कोमा में डालेगा। अरे सर आप कैरेक्टर में नहीं घुस पा रहे हैं, अंदर से कैरेक्टर फील कीजिए। एक बार घुस गए तो दर्द नहीं होगा। ऐसा क्या? हाँ। तू अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएगा? नहीं करवाऊंगा। वो मेरी एक लौती औलाद है, वो जिंदगी भर दुकान में काम करेगी और मेरे लिए शराब के पैसे लाएगी। तू क्या कर लेगा? मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तू मरेगा नहीं ये शादी नहीं करेगी। तुम दोनों की वजह से मैं लटक गया हूँ। भगवान, अरे देख रहे हो दुनिया वालों, थिएटर मेरा है और फिल्म इन दोनों की चल रही है। ए, तू इधर आ। क्या रे, तू मेरे मरने के बाद इससे शादी के सपने देख रही है? अरे किसी की ऐसी बेटी है मेरी बेटी जैसी, जो अपनी शादी के लिए अपने बाप को मारने चली है। लक्ष्मी, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी ना, बोल ना भाई। अरे बोल ना, दिखा ना मैं कैसा एक्टर हूँ। ए जाना। ए, पहले तारीफ कर फिर जाने दूंगा। भाई नमस्कार। आ, नमस्कार, बैठ। बहुत ठंडा हो गया है। ये गाय रोज 10 लीटर दूध देती है, टेप से नाप लेना। वैसे ग्राहक तो बहुत आए थे, मुझे कोई जमा नहीं। जरा मुझे चेक करने दो। अरे बाप रे, ये तो बैल है। क्या? ये कैसे हुआ? ऑल इज नॉट वेल। कुछ भी दे दो चलेगा। इसके सिर्फ 1500 रुपए दे सकता हूँ। अच्छा काम किया तूने मेरे पैसे लौटा कर, लेकिन मेरा ब्याज बाकी है, जल्दी पूरे पैसे चुका देना, नहीं तो तेरे बाप से बोल दूंगा। अरे नहीं ऐसे मत करना, मैं जल्दी ही हल्दी बेच कर चुका दूंगा। अरे जा रहे, तू क्या जल्दी चुकाएगा? बचपन से तेरे बोल बचन सुन रहा हूँ, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। साले पैसे भी ले लिए और जबान भी चलाता है। क्यों रे, यही है ना यमराज सिंह का भाई। चलता हूँ। चल अब तू निकल। अरे नहीं नहीं बाद में मिलता हूँ। इज्जत का कचरा कर दिया उस झिंगे ने, तेरे जैसे चिकने को डरा दिया। साले ने खड़े खड़े तेरी इज्जत का भाजीपाला कर दिया, फोड़ डाल उसको। मगर मैं अकेले क्या कर लूंगा? अरे डरता क्यों है, हम लोग है ना तेरे साथ। तू उसके लत्ते लगाता है या मैं जाऊँ? जाऊँ क्या, बोल जाऊँ? चल जा, छोड़ना मत उसको। 10% ब्याज लूंगा। सुन यमराज सिंह को बोल यहाँ लफड़ा हुआ है, बहुत बड़ा लफड़ा। मैं बचाओ सर, उधार लेते वक्त मेरे पैरों पे गिरता था और आज मेरे खून का प्यासा हो रहा है। तुझे क्या लगता है मैं किसी से डरता हूँ? जितना बोलना था बोल चुका, अब सुन। जब तक ये नहीं बोलेगा तू पीटेगा। पी के आए क्या तुम लोग? मैं तो ऑलरेडी बाहर हूँ। आहा, सारे भगत एक साथ। अरे सुनीता, इसने तो थाने का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार नेताजी, नमस्कार। उस गरीब को यमराज ने बहुत मारा। हाँ मुझे पता है, पता है, पता है। इसने ड्यूटी के बहाने बदला लिया है, धोबी भी ऐसा नहीं धोता। दिख रहा है, दिख रहा है। अरे सुनीता, यमराज इतनी बदलियों के बाद भी नहीं बदला, वो ऐसे ही पिटाई करते जा रहा है, मारते जा रहा है। सर ये मेरा छोटा भाई। अच्छा। चाबुक सिंह खामखा हमारी फैमिली मैटर में टांग अड़ा रहा है। सुनो सुनीता, इस बार यमराज ने अपने सगे भाई को ही धो डाला।
आप यहाँ इंसाफ करने के लिए आए हैं या फोन पर बात करने के लिए? एक युवा नेता होने के नाते, एक इंसान के नाते, हम इस गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। सस्पेंड कर दीजिए इसे। हाँ, इसने तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं दिए। मैं तो कहता हूँ इसे चप्पलों का हार पहनाना चाहिए। एक गलती की कई सजाएं नहीं दी जा सकती। देखिए आप बड़े हैं, आप बताइए। हमारी फैमिली की गांव में बहुत इज्जत है, इसने सबके सामने पीटा है, इसलिए इसको सबके सामने माफी मांगनी ही पड़ेगी। इतना खून बहाया, इतनी छोटी सजा। बस बस बात यहीं तक रहने दो। सुना यमराज, चलो अब इनसे सॉरी कहो। अभी बोलेगा सॉरी। क्या सुना नहीं? सॉरी। हो गया ना, चलो अब तमाशा खत्म। अरे सुनीता, आज की ताजा खबर सुनो, यमराज ने जिंदगी में पहली बार सॉरी बोला। अच्छा भाई यमराज, बाय। चलो भाई। सॉरी। मारा तो नहीं, फिर किस लिए? एडवांस बुकिंग। सॉरी 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 सॉरी। और सॉरी चाहिए तो गाल इधर ला। इस ढक्कन के केस में बचकर ये मत समझना कि हमसे बच जाएगा तू। तेरे ही थाने में घुस कर मारूंगा तुझे। सिर्फ 24 घंटे में तुझे हार्ट अटैक नहीं दिलाया तो हमरा नाम चाबुक नहीं। हे लोकपाल। हाजिर हूं सर। नोट कर ले। ये भी डायलॉग बोलना सीख गया। लिख लिया? सर पेमेंट आपसे लेता हूँ, फ्री में इसका काम क्यों करूँ? हाँ सेना। यस सर। जाओ और चाबुक सिंह के सारे चमचों को यहाँ लेकर आओ। कहना कि साहब फिर से खेलने के मूड में। अगर नहीं आए तो कहना वही आ जाएंगे खिलाने। ओके सर। जो सिपाहियों आगे बढ़ो। अरे ओ लोकपाल। यस सर। उठा बंदूक और लगा निशाना इन कुत्तों पर। लगा दिया सर। गुंडा गैंग, तुम लोगों के बाप ने मुझे 24 घंटे के अंदर बर्बाद करने का अल्टीमेटम दिया है। वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है? इसकी ताजा न्यूज चाहिए 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 चाहिए। मुझे कुछ पता नहीं साहब, आजकल वो घर पे ही रहते, ज्यादा कहीं जाते भी नहीं। देख मुझे चूना मत लगा, सच बोलेगा तो मिलेगी चॉकलेट, आइसक्रीम और बिस्किट, नहीं बताएगा तो गोली खाएगा। कैसे बताएं सर, हमें पता ही नहीं। क्या बोला तू, क्या बोला? नीचे बैठ। क्या बोला तू? कैसे बताएं सर, हमें पता ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोला था, ऊंची आवाज में बोला था, ऊंची। अब जो तेरा टोन है वो नीचे क्यों आ गया? कैसे बताएं सर, हमें कुछ पता ही नहीं। पहले तो बहुत अकड़ के बोला था, आवाज का दम गायब हो गया। जिस तरह बोला था वैसे ही बोल, वरना भेजे में गोली मारकर चिथड़े उड़ा दूंगा। बोल। सर पे जब गन हो तो आवाज में दम कहां से आएगा? क्या? सर पे जब गन हो तो आवाज में दम कहां से आएगा? डर गया। वैसे डर गया ना तू? आपको तो कॉमेडी सर्कस में होना चाहिए। कॉमेडी करता हूँ, तुझे मजा आ रहा था? जोक लगा था सर। कैसा जोक? कनपट्टी पे बंदूक है और तुझे जोक लग रहा है? चल मुझे जोक सुना और हंसा के दिखा। चल जल्दी सुना। सर पे बंदूक लगेगी तो जोक कैसे सुना सकता हूँ? तू मुझे जोक सुनाएगा और हंसाएगा। चल जल्दी सुना। ये डर गया। ए लोकपाल, ये भी डर गया। कोई हंस क्यों नहीं रहा? यमराज सिंह ने जोक मारा और तुम लोग हंस नहीं रहे हो? हंसो। जब भी मैं जोक सुनाऊं हंसने का, समझे? हंसो। ये हुई ना बात, क्या बात है? हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं इससे नहीं डरूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा। अपना मुंह बंद रख। ए, क्या बोला छोटा हाथी, क्या खेलना है इसे? अब ये हमारे गैंग का नया मेंबर है, मैं इसे कबड्डी मैच के बारे में बता रहा था। नहीं नहीं, कबड्डी नहीं बोला, इसे तो फुटबॉल खेलना है। नहीं 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 सर, उस दिन के बाद हमने बाहर खेलना बंद कर दिया, अब हम लूडो, फुगड़ी और आपस में अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ तो चलो खेले यमराज की अंताक्षरी। जो भी हारेगा वो मुझे तुम लोगों के बाप के प्लान के बारे में बताएगा। हाँ तो जो अक्षर मैं बोलूंगा उस पर से तुम्हें गाना गाना है। ओके, आप सुन रहे हैं यमराज सिंह रेडियो स्टेशन,
पेश है यमराज की अंताक्षरी। ए मंकी कैप, दसे गाऊ? मैंने कहा गाना गाऊ। क्ष, तू क्ष से गाना गा। क्ष से भी कोई गाना है क्या सर? गाना तो पड़ेगा, कुछ भी गा। चंदा मामा आए, चांदनी ले आए, सुंदर रात में मुझको कुछ कहने आए। चंदा मामा आए, चांदनी ले आए। तू हार गया, अब मुर्गा बनके क्षार अंडे देने पड़ेंगे। बचना है तो बता, चाबुक सिंह का प्लान क्या है? चल बोल, मुंह खोल। वो आपके छावी की शादी किसी और से करा रहे हैं। जानकारी के लिए थैंक्स। तुम सब मेरे प्रोग्राम में आए और अपना कीमती समय दिया, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हमें लगा था यमराज सिंह में बहुत दम है। क्यों सही कह रहा हूँ ना जाजू, मगर इसकी कमजोरी भी है। चैलेंज किया था ना कि हमें इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दोगे। इलेक्शन का क्या है, 5 साल में एक बार आता है, मगर शादी पूरी जिंदगी में एक बार होती है। तेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, दम है तो रोक ले। ये तो अब भी तुम्हें माफ कर देगा। माफी मांग लो। कौन आया है भाई? अरे रे 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 रे, बड़े साहब आए हैं। उस दिन क्या कहा था तुमने? मैं निकम्मा बाप हूँ और अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा। देख लो, पूरे जिले में मैंने अपने लिए नंबर 1 दामाद ढूंढा है। मेरे इसी नंबर 1 दामाद के 35 शराब खाने हैं इस पूरे एरिया में। और सुनो, ये बगैर दहेज के शादी कर रहे हैं, लड़की के बदले इन्होंने मुझे दहेज दिया है। खैर, अब आप आ ही गए हैं अपनी सेना के साथ तो खाना खाकर जाइएगा। चाहिए तो अंग्रेजी खंबा भी मिल जाएगा आपको। मेरे नंबर 1 दामाद ने सब इंतजाम किया है, ये यहाँ का मटका किंग भी है। शादी के बाद तो हम भी जश्न मनाएंगे, फर्क इतना होगा कि ये गम के आंसू पिएगा। आप बेकार का टेंशन मत लो, मेरी बेटी मेरी बात नहीं टालेगी। मैं चाहूं तो अभी ये शादी रोक सकता हूं, मगर मैं जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। अपने उस बाप के लिए कुर्बानी दे रही हो जो इतना मतलबी है, वो तुम्हें शराब के लिए बेच रहा है। मैं जानता हूं तुम किन हालात में शादी कर रही हो, खुद को धोखा मत दो। अगर मुझसे प्यार करती हो तो एक बार मेरी तरफ देखो। ये अगर 6 फेरे भी ले लेता है तो मैं इसे 7वां पूरा करने नहीं दूंगा। बस एक बार आंखों में देखो, आज अगर नहीं देखा तो मुझे कभी नहीं देख पाओगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। शादी जारी रहेगी। दोस्तों, मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून टू यमराज से, चैनल मत बदलना। ए, हिले डुले नारंगी सारंगी ठर्रे वाले, निकल वरना तू भी लड़खड़ाने लगेगा। अपने बाप की इकलौती औलाद हूँ, ना शादी करनी है ना बर्बादी करनी है। अगर जिंदा रहा तो 35 शादियां कर लूंगा। क्या जबरदस्ती है? अयो यमराज सिंह की सेना। सर, अब इस मंडप में सिर्फ पंडित जी के मंत्र सुनाई देने चाहिए। अगर कोई बोलता है या हिलता है तो उसमें 6 की 6 उतार देना, जो होगा देखा जाएगा। यस सर। अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। हमारा कोई नहीं जानू, सौभाग्यवती बाबा, जीते रहो। चाहो तो बाबूजी का आशीर्वाद ले लो। मेरे बाबूजी मेरे लिए मर चुके हैं, मैं अनाथ हूं।
तुमने टाइम दिया था उसमें अभी भी 10 मिनट बचे हैं। मैं टाइम में नहीं टाइमिंग में बिलीव करता हूं। मेरी जान कहाँ जाने मन यहाँ हो। लगता है तुम भी रात भर मेरी तरह नहीं सोई। चलो थोड़ा और सो जाओ। वाह 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 लगता है जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। पासा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं जानती? बिना नाम जाने सुहाग रात। लड़कियां पहले बायोडेटा मांगती है, इंटरव्यू लेती है, उसके बाद भी रिजेक्ट कर देती है। मैं उन जैसी नहीं, मैं पहले रिजेक्ट करती हूँ फिर हाँ कहती हूँ। मेरा नाम यमराज सिंह है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम गरीबों की इतनी मदद करते हो, फिर ऐसा विलन जैसा नाम क्यों है? मैं विलन हूँ? किसने कहा मैं हीरो हूँ? मैं तुम्हें प्यार से यम्मू बुला। कोई जरूरत नहीं मिस, मुझे दे दो किस। अरे यमराज के मुक्के ने साहब के छक्के छुड़ा रखे हैं। ओह माय गॉड, ये तो चाबुक सिंह का घर है। तो क्या हुआ, क्या मैं डरता हूँ उससे? पतली गली से निकल लेते हैं सर। आया हो तो वसूल करके जाऊंगा। लोन लेने के बाद इनके टोन ही अलग हो जाते हैं। उधारी कौन चुकाएगा? सारी गाड़ियां ले चलो। ए नालन की मौसम में किधर चले आने लाए? चाबुक है क्या? क्या अबे चाबुक क्या? कौन सा चाबुक? बॉस काम लेगा। मुंह बंद रखना। हमारे सर ने यमराज सिंह से प्राइवेट ट्यूशन लेकर थप्पड़ मारने का डिप्लोमा किया है। अरे चाबुक कहाँ छुपा है? बारा सामने क्यों नहीं आ रहा? आज तू नहीं या फिर मैं नहीं, तुम फेस टू फेस, लेट्स फेस। जानते भी हो तुम किसके घर में भौंक रहे हो? अच्छे से जानता हूँ, अभी तो भौंक रहा हूँ, पैसे नहीं मिले तो काटूंगा भी। ए, जब तक मेरा भतीजा आता है तो कुत्ते की तरह जी भर के भौंक ले। ले जाओ इसे खोपचे में। माँ का दूध पिया तो भौंकना मत। कुत्ते के पिल्लू किसको मरना है? जो भी कदम बढ़ाएगा आज वसूली उसे सूली पर चढ़ाएगा। अगर किसी में हिम्मत है तो हम दोनों को बाहर निकाल के दिखाए। मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसकी बेबी विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दम है तो आजा। अच्छा जाने से पहले एक बात तो बताओ। यस। आखिर तुमने खामखा इतना चिल्लाकर आसमान सर पे क्यों उठा रखा है? क्रिमिनल्स का हॉरर, क्राइम का टेरर, वन एंड ओनली यमराज, यमराज सिंह। वो देखो उधर। सिंह से पैसे वसूलने जाना है, ये बात मैंने सर से कही थी, मगर सर बिजी थे। कोई बात नहीं, आप नहीं तो आपका पोस्टर ही सही, इसीलिए तो लाया इन्हें। यमराज सिंह का कट आउट कर देगा सबको, गेट आउट, सबकी बचेगी। अरे वो छोटा वसूली। यस सर। सारी गाड़ियों को सीज कर दो और चाबियों का गुच्छा मेरे पास लाओ, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। लक्ष्मी सुनती हो, मेरी बेल्ट कहाँ है? बेल्ट पहन तो रखी है तुमने। मेरी गन कहाँ है? वहीं कोने में टेबल पर पड़ी है। पर्स पर्स कहाँ है? ये क्या लगा रखा है, आज पुलिस की जगह जज बन गए। वो तो है, मैं चाहता था मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में रहे और मेरा हर ऑर्डर माने। हे लक्ष्मी मीठे में क्या है? इस तरह हाथ रखोगी तो मुंह मीठा कैसे होगा? तुम दिन भर खतरनाक गुंडे मवालियों से उलझते रहते हो, डर नहीं लगता तुम्हें? डर और मैं, तुम भी ना। यमराज किसी से नहीं डरता। डर तो बहुत लगता है, पर तुमने सुना नहीं डर के आगे जीत है। मत रुको बेटा, मत रुको, तुम लोग हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। बेटी दुनिया में हर बाप का सपना होता है
कि वो अपनी बेटी को खुद डोली में विदा करे, पर मैं अभागा तुम लोगों को आशीर्वाद भी ना दे पाया। मंडप में तुमने अपने बाप को खून के रिश्ते से अलग कर दिया। मैं तो उसी दिन मर गया था, शराब के नशे में दुख भुलाने चला था। मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया, मुझे माफ कर देना बेटा। रुकिए बाबूजी, एक बार पियो तो खुशी, हफ्ते भर पियो तो आदत, रोज पियो तो बीमारी होती है। अगर आप शराब छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो यहां रह सकते हैं। लक्ष्मी, इन्हें अंदर ले जाओ। जा और उसके भाई को लेकर आ, अभी लेकर आता हूं। छोटा भाई मानते हैं, और छोटे भाई की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है। हमरा रहते तो किसी और से कर्ज मांगे, अच्छी बात नहीं। कितना कर्जा है तेरा? यही कोई 5-6 लाख होगा, बस इतना ही। ये तो सिर्फ ब्याज है, असल तो इसका डबल है। बाप रे बाप, इतना पैसा? पूरा 25 लाख। मगर भैया, इतना पैसा मुझे फ्री में क्यों दे रहे हो? सरकारी योजना है क्या? ये हमारा फर्ज है, जनता की सेवा करूंगा तभी तो चुनाव जीतूंगा। छोटी सी बात है भैया, जल्दी ही इलेक्शन होने वाले हैं, तुम्हें मेरे भतीजे का चुनाव प्रचार करना है। आप जाओगे भाई, असेंबली में जरूर जाओगे। आपने मुझे नोट दिया है, बदले में मैं आपको वोट दूंगा। चाबुक सिंह जिंदाबाद। हटो भाई, चाबुक सिंह जिंदाबाद, चाबुक सिंह जिंदाबाद। अरे स्पीड ब्रेकर नहीं फिर भी ब्रेक। भाई यमराज सिंह आया है। अब हमें किसी ऐरे गहरे से डरने की जरूरत नहीं है, बैठो रे। तुम जाओ। आज पर लगा के उड़ने का मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने लिए गाड़ी खरीद लूँ। पहले लाइसेंस तो बनवा ले, मुझे नहीं लगता कि ये तेरी मेहनत की कमाई है। लगता है खिचड़ी पक रही है, लेकिन मैं आसानी से तेरी दाल नहीं गलने दूंगा। बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, सुधर जा बे। देख लेना, एक दिन ये मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा। क्या रे? ए, चल भाग यहाँ से, कितने भिखारी हो गए यहाँ पर। अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये देखिए ना, अगर ये आपको पसंद नहीं तो शर्मिली आपको और दिखाएगी, रुकिए। अरे वाह भाई वाह, आपका घर तो असेंबली से भी बड़ा है। अगर आप ले लीजिए और असेंबली हमें दे दीजिए। मैं चाय पीने के साथ साथ साउंड इफेक्ट भी देता हूँ जोर शोर से। जोर शोर से ही आपको असेंबली में कुर्सी मिली। मेरा भतीजा पूरे गांव, इलाके और मोहल्ले में सबसे लड़ चुका है, अब सोचा कि एमएलए का इलेक्शन लड़ ले तो लड़ रहा है। बोलिए कितना पैसा दूं, मतलब पार्टी फंड। तुम चाचा भतीजे क्या बकवास कर रहे हो? हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर टिकट नहीं बेचती, पार्टी को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। पर आप तो ले लो, इस तरह का ऑफर सबको नहीं मिलता। हाँ ये बात तो है। वाह 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 वाह, वंडरफुल, क्या पेंटिंग है। इसका दाम क्या होगा? पूरे 1 करोड़ चलेगा। एक छोटी सी पेंटिंग के लिए जो इतना खर्च कर सकता है, वो एक टिकट के लिए तो 3 करोड़। अपनी मनपसंद चीज चाहिए हो तो दाम नहीं देखा करते। 5 करोड़। एक टिकट के लिए इतना माल? अरे आपने 5 क्यों बोला, मैं तो 4 भी तैयार हो जाता है। आप अगर कहो तो 4 क्या 14 भी दे दूं। मेरा भतीजा एमएलए बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपने बताया नहीं, क्या पैसा अपने साथ ही ले जाएंगे? क्यों, चेक पोस्ट पर पुलिस वालों को खैरात बांटना है? अभी नहीं, पैसा कब लाना है और कहाँ लाना है मैं बाद में बताऊंगा, मुझे पार्टी के सीरियस को पटाना है। बहुत काम है, बाद में मिलते हैं। चाबुक सिंह हाईकमांड को पार्टी फंड के बहाने बहुत ज्यादा रिश्वत दे रहा है, और अगर पैसे पहुँच गए तो हाईकमांड उसे टिकट दे देगी, फिर वो राजनीति नहीं करेगा, खून बहाएगा। उसे किसी भी हाल में रोको। अगर एक बार पैसे हाई कमांड के पास पहुंच गए तो समझो हमारे भाई असेंबली में पहुंच गए। भाई कल पार्टी हेडक्वार्टर में पैसे पहुंच जाएंगे, ऑल बिल सब पे चलेगा आपका चाबुक। पार्टी तो बनती है भाई।
आया तू यहाँ? क्या चाहिए तुझे? तुझे नहीं पता तो बताता हूँ। चाबुक, पता नहीं तू किस खुशी में डांस कर रहा था। मैं क्यों कर रहा था जानता है? तेरे पार्टी फंड का ब्लैक मनी सीज करके यमराज सिंह पुलिस वेलफेयर में वाइट करने के लिए डाल दिया है। तेरी इतनी मजाल। रुको, जो तुमने कहा कि ब्लैक मनी तुम्हारा है तो ये तुम्हें दो नंबर के जुर्म में अरेस्ट कर लेगा। सोचो फिर चुनाव कैसे लड़ोगे। तेरा कमीना चाचा ज्यादा होशियार है। अगर पैसा चाहिए तो टिकट नहीं मिलेगी, टिकट चाहिए तो पैसा भूल जा। चाचा, भतीजे को थोड़ा च्यवनप्राश खिलाया करो। चल हट, अब नॉमिनेशन डालो भीख मांगने का। ए चाबुक, अब तो तेरे लाल लग गए। पा 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 पा। अंदर चलो, भीगने से सर्दी हो जाएगी। ए गेंडे, हमरा साथ बारिश में नहीं भीगेगा तो तोहरा को खून से नहला देंगे। उसने हमरा सारा पैसा लूट लिया, हमने जाने दिया। उसने हमसे हमारा राज छीन लिया, हम चुप रहे। उसने हमारा अपमान किया, वो भी हम भूल गए। मगर जिंदगी में पहली बार आज मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? जीने का मेरा एक ही मकसद था, यहाँ का एमएलए बनना। अब डर लग रहा है कि कहीं मैं पहले ही न मर जाऊं। अभी अभी अपन को टिप मिली है, साले मंत्री ने उस यमलाज को आपके पैसे के बारे में बता दिया। ये जब भी खुश होकर बारिश में नहाता है, किसी ना किसी का टिकट कट जाता है। ये किसका घर है? मंत्री जी का। मंत्री जी से कहना कि चाबुक सिंह को पछतावा है, उन्हें माफ कर दीजिए। अगर उन्होंने ये गिफ्ट ले लिया तो समझूंगा कि हमरा को माफ कर दिया। मैं हूं ना भाई, टेंशन मत लीजिए, मैं सब सेटल कर दूंगा। लेकिन भाई ये काम तो कोई और भी तो कर सकता था। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। मुझे भी तो नहीं जाने देंगे। कह देना कि यमराज सिंह का भाई हूँ तो कोई नहीं रोकेगा। यमराज सिंह तुम्हारे काम नहीं आया तो क्या, कम से कम उसका नाम तो आएगा। जैसा आप कहें। ये क्या, सेटल करने उसे क्यों भेजा? मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे भेज देता। वो परमानेंट सेटल होने गया है, मैंने मोबाइल में बम फिट कर दिया। फिर तो मुझे जरा कुछ काम है, तुम संभाल लेना, जल्दी आना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, पता है क्या करने जा रहे हो? इलेक्शन से पहले ऐसी हरकतें करोगे तो असेंबली का ख्वाब भूल जाओ तुम। चुप रहिए, मंत्री और यमराज में दोस्ती हो गई है, ये धमाका हमारा लाइफ बदल देगा। आपका काम हो जाएगा सर। हा? यमराज का भाई आया है। बैठो, बोलिए। चाबुक सिंह जी ने ये आपके लिए भेजा है। काफी महंगा फोन भेजा है उसने। उससे कह देना कि प्रदीप कुमार को रिश्वत लेने का शौक नहीं। पता है उसने तुम्हें क्यों भेजा? क्योंकि तुम यमराज सिंह के भाई हो। खैर, चावुक से कहना कि उसकी मिठाई मैंने रख ली, लेकिन उसका गिफ्ट मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। उसने सिर्फ मिठाई ले ली, गिफ्ट लौटा दिया उसने? तुम कहाँ हो? हाँ भतीजे, मंत्री ने मिठाई रख ली और गिफ्ट लौटा दिया है। हंस क्यों रहे? हमरा को पॉलिटिक्स में आने का शौक ऐसे ही नहीं है। हमने मोबाइल फोन में बम रखा ही नहीं। तो फिर जल्दी बैठ, चल चल निकल।
तुम्हारे भाई ने किया है। तुम्हारा नाम लेकर अंदर घुसा था। सीसीटीवी में साफ नजर आता है कि मिठाई लेकर तुम्हारा भाई घुसा था। लास्ट में उसी का हाथ है। ऊपर से ऑर्डर है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। मैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही तुम्हें सीनियर से बचा सकता हूँ। तब तक मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। अपने भाई को पकड़ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मेरी नौकरी भी जाती, समझो। अरे इन्हें पीछे लो, पीछे करो, पीछे करो। क्या आपको इस ब्लास्ट के बारे में पहले से पता था? मंत्री जी की हत्या में आपके भाई का हाथ है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी का हत्यारा अभी भी बेखौफ घूम रहा है, क्या आप उसे बचा रहे हैं? बताइए, अब तक आपने इस तरह कितने नेताओं को मारा है? आप इस तरह से नहीं जा सकते सर। सर आपको जवाब दे रही होगा। लोग जाना चाहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट कैमरा और स्क्रिप्ट से बनती है, पर पुलिस डिपार्टमेंट सबूतों के आधार पर चलता है। आपके लाड़ प्यार ने ही आपके लाड़ले को बिगाड़ रखा है। बचपन में सिर्फ मेरी खाल उधेड़ी, उसको छुआ तक नहीं। आज उस चवन्नी चोर को बड़ा मुजरिम बनाने में आप ही का हाथ है। हमारे मंत्री जी को उसने चाबुक सिंह के साथ मिलकर बम से उड़ा दिया और मेरा नाम लेकर किया उसने ये सब। मुझे सस्पेंड किया क्या उसकी वजह से? कानून चाहे उसे छोड़ दे, लेकिन ये यमराज सिंह उसे नहीं बख्शेगा। आप बीच में मत आना। आपकी चिता को आग सिर्फ मैं दूंगा, सिर्फ मैं। हमारे लिए मर गया वो, मर गया वो, मर गया। क्या हुआ? बहुत दिनों से पंख लगाए हवा में उड़ रहे थे ना, आ गए नीचे। इलेक्शन में हमारा टिकट तू काटने वाला था ना, अब तेरी नौकरी का टिकट कटेगा। लेकिन इलेक्शन के बाद हम तो हर नौकरी वापस दे देंगे, पता है काहे? ताकि तू ससुरा हमरा के सल्यूट मारे। पर इतना कुछ होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तब तक तुम हमारा गाड़ी के पीछे बैठ कर चिल्लाओ, चाबुक सिंह जिंदाबाद, चाबुक सिंह जिंदाबाद। रोज तुम्हें मुर्ग मुसल्लम खिलाऊंगा, वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ। अरे रे 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 रे। इस वर्दी में अंताक्षरी का बड़ा शौक था। मुझे भी है भाई, पर अब क्या करें, वर्दी तो उतर गई। अब क्या बिना यूनिफॉर्म के कच्चे बनियान में खेलोगे? फर्ज करो तुम्हें वर्दी मिल भी गई तो भाई नहीं मिलेगा। भाई मिल गया तो वर्दी चली जाएगी। अब सोचो तुम्हें क्या चाहिए। अब ये यमराज सिंह नहीं, गमराज सिंह हो गया। नौकरी चाहिए तो हमरा पास आई। डॉक्टर जनार्दन जी कैसे? देखो उसे गहरा सदमा लगा है, कम से कम 24 घंटे लगेंगे। इससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक से बोल। आप उन्हें 24 घंटे में घर ले जा सकते हैं सर। उनसे मिल सकता हूँ? आप उनके साथ रह भी सकते हैं। जिंदगी भर अकड़ दिखाई और आज आईसीयू में पड़े हैं। कितने लाचार लग रहे हैं आप। हमेशा अपने बनाए उसूल पर चले, कभी मेरी परवाह की ही नहीं। पराया था तो गले से भी नहीं लगाया। बचपन में सगे बाप को खोया, मुझे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी माँ ने आपसे शादी कर ली, मुझे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जब मां का हाथ सर से उड़ गया तो खुद को संभाला, टूटा नहीं। अगर आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा जनार्दन जी। मैं जानता हूं कि आपने मुझे क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता था। लेकिन सच तो यह है कि आप अपनी मर्जी मुझ पर थोपना चाहते थे, तो कीजिए ना अपनी मनमानी, थोपिए मुझ पर अपनी मर्जी, पर छोड़कर मत जाइए, छोड़कर मत जाइए जनार्दन जी। आपको मेरी कसम, आपने सुना, इसने मंत्री जी को ही उड़ा दिया। मैंने नहीं मारा, तुमने मारा है। ये तुम्हारा बयान है, मगर पब्लिक कह रही है कि मंत्री को तुमने उड़ाया है। और खास करके इसका भाई चाचू, अब वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक आम आदमी के लिए उसने तुम्हें कितना मारा था, फिर अपने चहेते मिनिस्टर का खून करने वाले को तो वो छोड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। फांसी दे देगा या शूट कर देगा। तोहरा वजह से उसकी वर्दी उतरी। यमराज सिंह ऑक्सीजन के बिना तो जिंदा रह लेगा, मगर बिना पुलिस की वर्दी के मर जाएगा बेचारा। पर ये जिंदा कैसे रहेगा? बड़े भाई को मारना पड़ेगा।
क्या मतलब है आपका? मतलब आकर वो तुम्हें मारे इससे पहले उसे मार दो। मैं यमराज सिंह को मार दूं? जीना है तो मारना पड़ेगा। ठोक देना उसे। चाचू ये तो डरपोक लग रहा है, यमराज सिंह को मार पाएगा? जोश में अक्सर इंसान नाकाम हो सकता है, मगर डरा हुआ इंसान अक्सर वो काम कर जाता है। तुम रुक क्यों गए? गोली चलाओ। मेरे लाड प्यार की वजह से तुम क्रिमिनल बने हो। तुमने मंत्री को तो मार दिया। आपकी तबीयत? मैं क्या चीज हूँ? मैं आपको क्यों मारूंगा बाबूजी? तो तुम इसे मार रहे हो ना? हार्ट अटैक की वजह से तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया से चले गए होते अगर तुम्हारे बड़े भाई ने मेरा ख्याल न रखा होता। ए बेटा, ये तुम्हें जान से मारना चाहता है ना? इससे पहले कि ये कोई गलती करे, शूट कर दे इसे। कुछ भी मत सोचो, मैं बोल रहा हूँ ना, शूट करो इसे। भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैंने मंत्री जी को नहीं मारा, चाबुक ने मारा है। मैंने गलत काम किए हैं मगर किसी की जान नहीं ली। वैसे भी मंत्री जी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? मेरा विश्वास करो भैया, मेरा विश्वास करो। मैं उसके बहकावे में आ गया था। चाबुक जानता था तू मुझे नहीं मार पाएगा, इसलिए अपने चमचे को भेजा। तेरे पाप धोने का एक ही रास्ता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। भैया आप जो भी बोलोगे मैं करूंगा, जो भी बोलोगे। ए कानियों को फोन लगा और 100 गाड़ियां और कम से कम 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा कर, नॉमिनेशन के लिए जाना है। हमारी रैली सबके होश उड़ा देगी। भतीजे हमारा प्लान फेल हो गया, दोनों भाई एक हो गए। अगर उसने कोर्ट में तुम्हारा नाम उगल दिया तो इलेक्शन तो क्या, तुम पैरों पे भी खड़े नहीं हो पाओगे। सियासत में तुम्हारी औकात इतनी सी रह गई है, 2 कौड़ी की। मुझे बहुत डर लग रहा है। गलती करते वक्त डरना चाहिए था, अब तो सुधरने जा रहा है। कमिश्नर साहब को पूरा सच बता देना। कान खोलकर सुन, हुक्म करो, यमराज सिंह और उसका भाई गांव छोड़कर नहीं जाने चाहिए। भतीजे उनके टुकड़े टुकड़े करके उनका नामो निशान मिटा देना। ठीक है भाई, आगे बढ़ने से उनको रोको। Yeah!
बुक का फोन है। आज की ताजा खबर सुन, तोरी माँ को हमने मारा था, अस्थमा ने नहीं। क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? तोरी माँ को हमने ही तड़पा कर मारा था। क्या बोलती बंद हो गई? लगता है तोरी सगी माँ नहीं थी, यमराज सिंह का बाप भी सौतेला और माँ का तो कुछ पता ही नहीं। बदला लेना है तो आ जा यहाँ, वरना चूड़ियां पहन ले। आना। इसका टाइम पूरा हुआ क्योंकि इसने यमराज को ललकारा। तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो बीच में मत आना। मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं, इस कुत्ते की औलाद से है। साले! तुम सबको पुलिस की नौकरी फ्री में मिलेगी। सर रिश्वत मिलेगी ना? रिश्वत की खाओगे तो बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे? चल रहे। अरे ओ यमराज सिंह की राउड़ी सेना, उठा बंदूक और लगा निशाना। जय हिंद साहब। ये क्या है सर? क्या हुआ? खाली बोतलें झूम रही हैं। निशाना लगाते तो सर झूमता है। सर ये सगड़े गधे हैं, भगाना शिंग भी नहीं है। Take it easy। गधा कितना भी अच्छा काम कर ले गधा ही रहता है, ये सारे भी वही है। अरे तेरी जितनी ट्रेनिंग इनको मिली होती तो आज ये क्राइम ब्रांच में होते। सर ये बंदूक बहुत बड़ी है, आप हमें चाकू दो तलवार दो सबको काट देंगे। अबे खाकी के साथ चाकू सूट नहीं करता, सोचो पब्लिक में क्या इमेज रह जाएगी। पुलिस का काम पब्लिक को डराना नहीं बल्कि पब्लिक के डर को जड़ से मिटाना है। वाह 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 वाह, ए लोकपाल लिख ले रे। सर तुम्हारी बुक कंप्लीट हो गई है, वो प्रिंटिंग कराने गया। अच्छा? है अच्छा। अपने शहर में मैं वर्ल्ड फेमस बन जाऊंगा। बुलेट की स्ट्राइकिंग है, ये 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 इसकी आदत लॉ ब्रेकिंग है, हो जब मेरी एंट्री। जानू अगर अपना बेटा हुआ तो उसका नाम युवराज सिंह रखेंगे। बिल्कुल नहीं, पहले लड़की होगी। लड़की? हाँ, और वो तुम्हारी माँ होंगी। ओहो, फिर से इमोशनल कर दिया। माँ देख ले तेरी बहू तुझसे बहुत प्यार करती है। यम्मू, तुम्हारे लिए बिरयानी, पनीर टिक्का और बटर चिकन बनाया। ये सब तो ठीक है पर स्वीट डिश में किस तो मिलेगी ना।